टेस्ट में बेस्ट मेरे किचन में आप सबका वेलकम है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मैं बनाने जा रही हूँ बैंगन की भजिए, एकदम बिल्कुल नई न्यू ट्रिक से, जो आपने कभी भी रमज़ान में नहीं बनाया होगा। हमेशा आपने बैंगन की पालकी बनाई होगी, लेकिन बैंगन की भजिए नहीं बनाई होगी। तो फिर चलिए बनाते हैं बैंगन की भजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फजल करम से हम लोग भी अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी अच्छे होंगे। मैं बनाने जा रही हूँ रमज़ान के इफ्तार के लिए एक न्यू ट्रिक रेसिपी। जो ये मैंने बैंगन ले लिए हैं और इसको मैंने इस ऐसे साइज़ में, गोल साइज़ में काट लिया है। और ये बैंगन विद भजिया मैं बनाने जा रही हूँ। तो मैं बता दूँ मैंने क्या मसाले लिए हुए हैं। ये है सूजी, जो मैंने आधा बाउल लिया हुआ है, इसमें डाल देना है। ये है कैरेट, पूरी एक कैरेट, जो मैंने इसको चॉप करके बारीक कद्दूकस कर लिया है। और ये है धनिया, जो मैंने इसको काट लिया है। ये है प्याज, ओनियन, इसको मैंने बारीक चॉप कद्दूकस कर लिया है। और ये है आटा, जो आधा बाउल। और ये है बेसन, ये भी आधा बाउल के तकरीबन है। इन सबको मिला करके अब इसमें डालना है मसाले। ये देखिए कॉर्नफ्लोर है, इसको मैं ले लूँगी 2 चम्मच के तकरीबन लेना है बस। अब इसमें ये देखिए मिला देना है एग। और इसको अच्छे से मुझे ऐसे मिक्स कर लेना है, लेकिन इसमें पानी डालना है कब, तकरीबन 1 बाउल के करीब। ठीक है, देखिए 1 बाउल पानी है, इसमें डाल करके हमें अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है सबको। और ये बहुत ही अच्छी टेस्टी रेसिपी है और रमज़ान में ख़ास करके आपको बहुत पसंद आएगी। और जब दिन भर का रोज़ा हो, अफ्तार करने का टाइम आए, तो हमें कुछ 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 ना कुछ चटपटी चीज़ खाने का बहुत मन करता है। ख़ास करके तो मेरा तो बहुत मन करता है, हम मीठी चीज़ें नहीं खाते हैं ज़्यादा। और इसको हमें अच्छे से मिला लेना है, मिक्स कर लेना है। अभी इसमें देखिए पानी की कंसिस्टेंसी थोड़ी कम है, तो इसमें थोड़ा सा और पानी मिक्स कर लेना है, आधा बाउल। इसको अच्छे से सबको मिक्स कर लेना है। अब हमें डालने हैं ये सारे मसाले। ये देखिए ये है चाट मसाला, ज़ीरा पाउडर, नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, और ये है जिंजर पाउडर। इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए ये एक अच्छा सा गाढ़ा सा बैटर बन गया है। ये देखिए इतना हमें गाढ़ा सा ठीक, हमें ये इतना ठीक हमें बैटर बनाना है। अब चलते हैं उधर कढ़ाई की तरफ, जिधर मैंने तेल गर्म होने के लिए रखा हुआ है। ठीक है, तेल अच्छा खासा गर्म हो चुका है। अब इसको सिम आँच पे हमें पका लेना है और इस तरीके से ऐसे एक एक डाल देना है। देखिए एक तरफ से हो गया था, एक तरफ से इसको पलट लिया है बस, कलर बहुत अच्छा आया है। ऐसे दूसरी तरफ से भी पका लेना है। ये देखिए अब ये पक गया है, इसको उतार लेते हैं। देखिए कलर कितना अच्छा आया है।
ये देखिए, देखिए मैं इसको दिखाती हूँ आपको कितनी ही सॉफ्ट बनी हुई है। ये देखिए, ये देखिए कितनी सॉफ्ट, कितनी क्रीमी क्रीमी लग रही है, ये देखिए। चलिए फिर आप भी बनाइए। वाह, क्या कहने, कितने ही अच्छा लज्जेदार बना हुआ है। चलिए आप भी ट्राई करिए फिर। अब देखिए ये आपको लग रही हैं कि ये बैंगन की भजिए हैं, और देखिए बैंगन की भजिए भी हैं लेकिन कितनी ही अच्छी लग रही हैं। ये देखिए, आपने बैंगन की पालकी तो बहुत बनाई होगी लेकिन इस ट्रिक से नहीं बनाई होगी। तो चलिए फिर ट्राई करिए, रमज़ान में इफ्तार में बनाइए और खाइए और बताइए कि कैसी बनी हुई है। तो चलिए दूसरी डिश लेके आते हैं आप लोग के लिए। जब तक कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अल्लाह हाफिज़, और रोज़ा इफ्तार करिए।